विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है और जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। इसी बीच इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आज जाट भवन में पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, जहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 25 सितंबर को कैथल में होने वाले विशाल सम्मान समारोह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस समारोह का हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस सरकार से कर्मचारी वर्ग बहुत बुरी तरह प्रताड़ित है, वह व्यापारी वर्ग व किसान कमेरा वर्ग इस सरकार के कार्य से दुखी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से इस सरकार को हरियाणा से चलता करने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ जिला अध्यक्ष यशवीर राणा, करनाल जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सलूजा, धर्मवीर पाडा, रेखा राणा प्रभु, विधायक मामू राम गोंदर सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो उन्होंने बरवाड़ा में जाकर के पुलिस के लोगों ने किसी से बातचीत करके कोर्ट का ऑर्डर दिखा करके दिया कि कोर्ट के आदेश को लेकर क्या है रामपाल जी महाराज को कोर्ट में पेश हो, हम इनको लेने आए बजाय कोर्ट का ऑर्डर दिखाने के उन लोगों के साथ उन्होंने जाकर के जबरदस्ती करने की कोशिश करी। जब उनके अनुयायियों ने इस बात का विरोध किया तो उनके जो उनके काम करने वाले लोग थे उनको बहुत के काटता हालात इस तरह से बिगड़ गए। उसके बाद कि बेरोजगारी को बुला करके बड़ी मुश्किल से हालात पे काबू में पा सत्ता पहले इतने इस इशू को लेकर के विफल होकर के खड़ी हो गई। उसके बाद जाट आरक्षण आंदोलन का इशू है, जाट आरक्षण आंदोलन जब चल रहा था उससे पहले जो प्रदर्शन कोटा की सरकार ने 5,000 को आरक्षण में शामिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया अगले दस्तावेज जो दिए गए थे उसके आधार पर उसको जब खत्म कर दिया तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि मैंने 5,000 को फिर से आरक्षण इनके लिए कोर्ट पे रिव्यू डालेंगे, अगर किसी कोर्ट से बात नहीं बनाई बारिश आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, उसकी वजह से उसको आगे करना पहले कोई नहीं कर। जे जे आपस का जो पारिवारिक राजनीतिक संबंध है उन्हें जा रहा है कि नहीं समर्थन ना देते बीजेपी को तो आप सत्ता में सत्ता में होते 100%। ये तो बीजेपी से जो है डॉक्टर के समर्थन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है। 100 करोड़ हमने पैदा किए कहीं गए क्या खास बात है सर? ऐसा कुछ तो नहीं कि तकरीबन सभी जा रहे हैं पीछे पीछे आ गए। आप भी जाओ, हम तो जा ही रहे हैं। साहब के सम्मान दिवस हमने मनाए उनमें हर बार लोगों की संख्या बढ़ी। इस बार का पंडाल भी हमने पहले वाले से बड़ा लगाया। मुझे उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं का जिस ढंग का रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि वो जगह छोटी पड़ेगी और लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। ज़्यादा लोगों का आना बदलाव की निशानी है। जो बीजेपी 75 पार की बात करें पिछले 6-7 दिन से मैं अखबार भी टीवी भी कोई रेडियो भी कोई आप जैसे साथियों से इस बात की जानकारी ले भी दी है मैंने। अब 75 पार की बात नहीं करते, कोई अखबार में स्टेटमेंट नहीं आती। अब उनको भी ये एहसास हो गया है कि नारा तुम्हारा स्लोगन जो था वो सही नहीं था, कहीं तुम ये स्लोगन देकर के लोगों को गुमराह कर दो। ये 75 पार वाले 15 पार भी नहीं कर पाए। कांग्रेस की हालत खराब है। पहले एक अशोक तंवर अकेला कांग्रेस के लिए बात करता था, अब तंवर की जगह दो नए चेहरे आ गए, अब भी दो ही लोग ज़्यादा नहीं है कांग्रेस के अंदर अपने आप को मुख्यमंत्री के कई दावेदार मान। इसका मतलब विवाद आज भी है।
वो दोनों भी एक गाड़ी में बैठ करके आने के लिए अलग अलग साधनों से आते हैं, अलग अलग उनके नारे लगाने वाले लोग खड़े होते हैं, डाके अलग दिखाई दे रहे, शैलजा के लोग अलग दिखाई दे रहे। तो इसका मतलब आज भी एक पार्टी नहीं है। अब जो है लोगों का विश्वास केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर होता है और हम उम्मीद करते हैं इस विधानसभा चुनाव में बड़ा अभी श्राद्ध चल रहे हैं नवरात्र, और श्राद्ध में तो आप ये मान करके चलो कोई शुभ काम नहीं हो सकता। श्राद्ध के अंदर तो वो लोग घोषणाएं करते हैं जिनको मेरी ख्याल शायद सामाजिक ज्ञान न दे। हम तो नवरात्र पे करेंगे। सर उन्होंने 22 तारीख की है, कहीं आपकी रैली में ज्यादा भीड़ की वजह से डेट तो नहीं चेंज कर ली जेजेपी वालों ने? वो तो उनकी मर्जी है, उन्होंने क्यों रखी। चौधरी देवीलाल का जन्मदिवस 25 सितंबर है और हम तो हर साल 25 को मनाते हैं। 25 से आगे इसलिए करनी पड़ती है कि दफाई मजबूरी होती है कि उन दिनों में बारिश। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।